दोस्तों, क्या आप लड़की की आवाज़ में या फिर लड़के की आवाज़ में कॉल करना चाहती हो? आज इस पर मैं बताऊंगा कैसे वॉइस चेंज करके लड़की की आवाज़ में या फिर लड़के की आवाज़ में कैसे कॉल कर सकती हो। अगर आप एक लड़का हो, लड़की के वॉइस में कॉल कर सकती हो। अगर लड़की हो, लड़के के वॉइस में कॉल कर सकती हो। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में भी वॉइस चेंज करके लड़की की आवाज़ में या फिर लड़के की आवाज़ में कॉल कर पाओगी। और मैं आप सभी को दो ट्रिक बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हो कैसे वॉइस चेंज करके लड़की या फिर लड़के की आवाज़ में कैसे कॉल करना है, तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सत्य, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फास्ट पोस्ट में। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में ये छोटा सा बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट लिखिए, वॉइस चेंजर, ये छोटा सा कमेंट लिख कर सेंड कर देना। दोस्तों, वॉइस चेंज करके कॉल करने के लिए दो ट्रिक बताऊंगा, और वो ट्रिक क्या है जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना। पहला ट्रिक, एक छोटा सा ऐप डाउनलोड करना। अगर ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हो, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डायरेक्ट ऐप लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगर फेसबुक में देख रहे हो, फेसबुक डिस्क्रिप्शन में ऊपर के साइड लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर ट्रिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए और ये परमिशन अलाउ करना है। ये सारे परमिशन एक बार अलाउ कर दीजिए। परमिशन अलाउ करने के बाद यहाँ से कंट्री कोड सिलेक्ट करना है और यहाँ पर फ़ोन नंबर से अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। फटाफट से मैं अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। अकाउंट क्रिएट करने के बाद ये सेम यूज़र इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है फीमेल, किड, मेल। अगर लड़का हो, लड़की के वॉइस में कॉल करना चाहती हो, फीमेल सेलेक्ट करना है। अगर लड़की हो, लड़के के वॉइस में कॉल करना चाहती हो, मेल सेलेक्ट करना है। मैं फीमेल सेलेक्ट करूँगा। नीचे देखिए ऑप्शन है टेस्ट कॉल, टेस्ट यानी यहाँ से वॉइस टेस्ट कर सकते हो कैसा सुनाई दे रहा है। वॉइस यहाँ पर टेस्ट करके सुना देता हूँ। टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। हेलो, कहाँ से हो, क्या करती हो? ठीक है ठीक है, रॉन्ग नंबर, बाय बाय। दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ पर सुना, वॉइस चेंज हो चुका है पूरी तरीके से, लड़की की आवाज़ में सुनाई दे रहा है कॉल करने के लिए। यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद देखिए ऑप्शन है कॉल, यहाँ पर कॉल के ऊपर क्लिक कीजिए और सारे कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर शो करेंगे, डायरेक्ट कॉल कर सकती हो। अगर यहाँ पर क्लिक करोगे, डायलर पेड ओपन होगा, मैनुअली नंबर एंटर करके कॉल कर पाओगे। उसके अलावा यहाँ पर और भी फीचर्स हैं, देखिए ऑप्शन है बैकग्राउंड। अगर यहाँ पर क्लिक करोगे, देखिए रेन, कॉन्सर्ट, बर्थडे, ट्रैफिक, रेस्टर, यानी अगर आप घर पे हो, किसी को कॉल करते हो, किसी से कहते हो कि नहीं मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ, लेकिन आप घर पे हो, ऐसे में आप पकड़े जा सकती हो। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से ट्रैफिक सिलेक्ट करोगे और बैकग्राउंड में ट्रैफिक साउंड ऐड हो जाएगा। अगर आप कॉल करोगे, उसे लगेगा सचमुच में आप ट्रैफिक में फंसे हो, ये भी आप कर सकती हो। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट ऐप लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अभी बढ़ते हैं सेकेंड ट्रिक। दोस्तों, फ़ोन में बिना कोई ऐप डाउनलोड किए वॉइस चेंज करके लड़की या फिर लड़के के वॉइस में कॉल कर सकती हो। और ये करने के लिए दोस्तों, अगर आप रेडमी शाओमी फ़ोन यूज़ करती हो, फ़ोन के सेटिंग में जाओगे, ऑप्शन है स्पेशल फीचर। स्पेशल फीचर के अंदर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, गेम टर्बो। लेकिन मेरे पास ये दूसरे कंपनी का फ़ोन है और मेरे फ़ोन में ऑप्शन है गेम्स, और ये प्री इंस्टॉल ऐप से पहले से कंपनी ने इंस्टॉल करके दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऐप के ऊपर होल्ड करूँगा। देखिए ऐप इन्फो में आता हूँ, देखिए ऐप अनइंस्टॉल नहीं कर सकता, ये पहले से ऐप इंस्टॉल है, डिफ़ॉल्ट ऐप है। और ये ऐप ओपन करना है। ओपन करने के बाद अगर आप रेडमी शाओमी फ़ोन यूज़ करते हो, फ़ोन के सेटिंग में जाना, स्पेशल फीचर में आपको ऑप्शन मिलेगा गेम टर्बो, और यहाँ से जो भी सेटिंग्स बताऊँगा, बाकी वो सेटिंग दोनों में सेम है। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये थ्री डॉट पे क्लिक करना है, ऐड गेम यहाँ पर क्लिक कीजिए और आपके फ़ोन में जो भी ऐप इंस्टॉल हैं, बहुत सारे ऐप्स यहाँ पर शो करेंगे। और यहाँ से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं व्हाट्सएप सेलेक्ट करूँगा। फिर इसे डन करना है। डन करने के बाद ये काम हो चुका है, अभी यहाँ पर इसे क्लोज कर दीजिए। देखिए व्हाट्सएप ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ, देखिए मैंने कॉल डायल कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर ओके करना है, देखिए कॉल करूँगा। जैसे यहाँ पर कॉल करोगे, ठीक है यहाँ पर मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, और ऊपर से इस तरीके से स्वाइप करोगे। अगर Redmi Xiaomi फ़ोन यूज़ करती हो, लेफ़्ट साइड से इस तरीके से स्वाइप करना है और यहाँ पर जैसे आप स्वाइप करोगे इस तरीके से, देखिए ऑप्शन है वॉइस मॉड्यूलर, देखिए ऑप्शन है वॉइस मॉड्यूलर। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से डन कीजिए और यहाँ पर देखिए आप वॉइस चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ पर फीमेल, मेल, किड,
तो काफ़ी सारे यहाँ पर वॉइस ऑप्शन हैं, बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पर आवाज़ बदल जाएगा, लड़की की आवाज़ में कॉल होगा। अगर लड़की की आवाज़ में कॉल करना चाहते हो यहाँ से ये सिलेक्ट करना है, लड़के लड़का यहाँ से बहुत सारा डिफरेंट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकती हो। ये हो गया, चलिए मैं आपको फिर भी सेटिंग दिखा देता हूँ Xiaomi फ़ोन में, ठीक है। ये बिना ऐप के होगा, अगर Xiaomi फ़ोन में ये सेटिंग करना चाहते हो, देखिए फ़ोन में सेटिंग ओपन करना है और यहाँ पर नीचे आइए, स्पेशल फीचर में आना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है गेम टर्बो, और ये गेम टर्बो के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, मैं पहले से कर रखा हूँ। देखिए व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से स्वाइप करूँगा ये ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप वॉइस चेंज करके भी कॉल कर सकते हो, और दोनों ही में भी प्रोसेस ये सेम है। तो ये था दो ट्रिक जिससे आप बिना ऐप के भी वॉइस चेंज करके भी कॉल कर सकती हो। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट ऐप लिंक है, वहाँ से ऐप को भी चेकआउट कर सकती हो। मुझे उम्मीद है ज़रूर से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो पे दोस्तों लाइक करना, शेयर करना। दिन शुभ हो, जय हिंद।